Again, it was a beautiful morning and weather was so nice, so I decided to make a second part of a Pongdam video. Hello everyone, myself Anupam aur swagat hai aapka exploring Himalayas ki teesri video mein. इस बार की जो हमारी लोकेशन थी वो पिछली बार की लोकेशन से अलग थी, क्योंकि जो पिछली बार की लोकेशन थी वो अब पानी में डूब चुकी है। फाइनली यार पहुंच गया हम। आज मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी बताऊंगा। हेलो एवरीवन, ये आपको जितने अच्छे नज़ारे लग रहे हैं, एक्चुअल में उतने अच्छे नज़ारे हैं नहीं। अब आपको मैं महाराणा प्रताप सागर से जुड़े कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ। सबसे पहला फैक्ट यह है कि महाराणा प्रताप सागर की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1961 में और 1971 में यह बनके कंप्लीट हो गई थी। 1971 में जब यह डैम बनके तैयार हुआ तब लगभग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के मुताबिक लगभग 93,000 लोगों ने यहाँ से माइग्रेट किया था और टोटल 338 गांव अभी भी इस पानी के नीचे समाये हुए हैं। अब गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स तो यही कहते हैं कि 93,000 लोगों ने माइग्रेट किया था, पर हमें पता है कि एक्चुअल में गवर्नमेंट रिपोर्ट्स हमेशा कम नंबर बताते हैं एक्चुअल नंबर्स के मुताबिक। 1971 में जब यह डैम बनके कंप्लीट हुआ था तब राजस्थान गवर्नमेंट और हिमाचल गवर्नमेंट के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तब राजस्थान गवर्नमेंट ने बोला था कि आप डैम का पानी हमें सप्लाई कीजिए और हम जो यहाँ से लोग माइग्रेट हुए हैं उन्हें हम ज़मीन देंगे, जिसे मुरब्बा भी कहा जाता है लोकल भाषा में। और ये भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक फ्रॉड था, क्योंकि अभी भी 93,000 लोगों में से 10,000 लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक भी राजस्थान में ज़मीन अलॉट नहीं हुई है, और अगर हुई भी है तो उस हिसाब से अलॉट नहीं हुई है जिस हिसाब से उनकी ज़मीन पानी में डूबी थी। खैर ये सब तो हो गया ना हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जो कि विच इज़ वेरी बैड एंड वेरी सैड। ये आप देख सकते हैं कचरा। हर साल बारिश आती हैं तो जब भी डैम का पानी राइज होता है तो उधर देखिए कचरे के ढेर रख जाते हैं, पूरे ढेर, जो कि अच्छा नहीं है। और ये सारा कचरा आता है कुल्लू मनाली वाली साइड से, कुल्लू मनाली और धर्मशाला वाली साइड से, क्योंकि इसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है वो सारी कुल्लू मनाली और धर्मशाला से आती है, और वहाँ पर जब टूरिस्ट जाते हैं तो कचरा फैलाते हैं और वही कचरा सारा बह के इधर आता है। इस बार हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम सभी फ्रेंड्स ने गुड टाइम सेलिब्रेट किया था। यहाँ पे पानी के नीचे कुछ मछलियाँ, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की ना। चलेगी सारी ये तो।
प्लीज़ कमेंट जरूर करें और बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये भी बताएं कि आपको फर्स्ट पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा या सेकंड पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।